गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स के बहुत सारे रैंकिंग फैक्टर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैटेगरीज। अगर आपका बिजनेस गलत कैटेगरी में ऐड किया हुआ है तो उसको ना तो अच्छी रैंक मिलेगी, ना ही सही लीड्स मिलेंगी और ना ही आपकी लिस्टिंग की हेल्थ ठीक रहेगी। गूगल ने लिस्टिंग्स में कैटेगरी को सेट करने का प्रोसेस बहुत आसान बना रखा है, लेकिन इसे प्रोफेशनली कैसे यूज करना है, कैसे सेट करना है, ये आपको सिर्फ प्रोफेशनल लोकल SEO ही बता सकते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में कैटेगरीज से रिलेटेड रूल्स को समझेंगे, ट्रिक्स को जानेंगे और पूरी प्रोसेस को समझेंगे। और वीडियो के एंड में होगा सवाल ये चेक करने के लिए कि आपने वीडियो को कितना ध्यान से देखा है। ऑल्सो हम ये देखेंगे कि आखिर एडिशनल कैटेगरीज का गलत इस्तेमाल आपकी लिस्टिंग को कैसे सस्पेंड करा सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग्स की कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं। हर एक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की एक कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं प्राइमरी कैटेगरी, लेकिन उसके साथ में 9 एडिशनल कैटेगरी सेट करने का फीचर गूगल माई बिजनेस देता है। क्रोम पर चलते हैं और मेक श्योर कि आपने उसी जीमेल गूगल आईडी से लॉगिन किया हुआ है जिससे आपकी लिस्टिंग कनेक्टेड है, और फिर गूगल पर सर्च करिए माई बिजनेस, या फिर अगर आपको अपनी बिजनेस लिस्टिंग का नाम अच्छी तरीके से एक्यूरेटली याद है तो आप उसे भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने माई बिजनेस सर्च किया है तो आपको यहां पर सर्च रिजल्ट्स में आपकी लिस्टिंग या फिर लिस्टिंग्स, एक से ज्यादा लिस्टिंग्स के नाम दिखाई देंगे इस तरह से लिस्ट में, और इसमें सामने होगा व्यू प्रोफाइल का बटन। ये जो आपकी लिस्टिंग्स का सर्च रिजल्ट्स में दिखाया जाना है ये सिर्फ आपकी आईडी पर ही अवेलेबल है, किसी और को ये नहीं दिखाई देगा। इस पर क्लिक करिए, इस व्यू प्रोफाइल बटन पर, और आपको आपकी लिस्टिंग की डिटेल्स दिखाई देने लगेंगी। और नीचे ही सबसे पहला ऑप्शन है एडिट प्रोफाइल नाम का, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करिए और आपको एक पॉपअप दिखाई देगा। इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहां पर आपको बिजनेस कैटेगरी नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करिए और आपको इस तरह से अपनी प्राइमरी कैटेगरी को एंटर करने का या फिर एडिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। गूगल आपको कैटेगरीज की लिस्ट सामने नहीं दिखाता है, बल्कि जैसे ही आप टाइप करना शुरू करते हैं तो आपको वो कैटेगरीज नीचे इस तरह से दिखाई देने लगती हैं। गूगल किसी भी एक कन्वीनियंट जगह पर गूगल माई बिजनेस की सारी कैटेगरीज की लिस्ट पब्लिश नहीं करता है, इसलिए हमने ये लिस्ट आपके लिए ढूंढी है और इस वेब पेज पर पब्लिश कर दिए, ताकि अगर आप चाहते हैं अपनी बिजनेस लिस्टिंग से रिलेटेड सारी कैटेगरीज को एक बार में देखना, ढूंढना, ऑप्टिमाइज करना और प्लान करना, तो आप इस पेज पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर अभी दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस रिलेटेड प्राइमरी कैटेगरी को टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं वहाँ से सर्च करके फाइनल कर लेंगे। इस प्राइमरी कैटेगरी को कैसे सेलेक्ट करना है ये अभी हम थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करते हैं। प्राइमरी कैटेगरी के नीचे आपको एड अनदर कैटेगरी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एडिशनल कैटेगरी नाम का टेक्स्ट फील्ड दिखाई देगा। इसमें भी आप एक और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। हमने एक एडिशनल कैटेगरी ऐड कर दी, बट अभी भी यहां पर एड अनदर कैटेगरी का बटन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा एडिशनल कैटेगरी को ऐड करने का, बट फिर भी ऐड अनदर कैटेगरी वाला बटन दिखाई देता रहेगा। इसे इस तरह से आप बार बार क्लिक कर सकते हैं और इस तरह से टोटल 9 एडिशनल कैटेगरीज को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है जिन्हें आप यूज करते हैं। एक प्राइमरी कैटेगरी और 9 एडिशनल कैटेगरीज, टोटल 10 कैटेगरीज हो गई आपकी एक बिजनेस लिस्टिंग के लिए। बट ये इजी पार्ट था, ये सबको पता लग जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रायल एंड एरर के बाद। प्रोफेशनल पार्ट आता है अब, आखिर कैसे डिसाइड करें कि प्राइमरी कैटेगरी क्या है और एडिशनल कैटेगरी आपकी लिस्टिंग की क्या रखनी चाहिए। गूगल की नई गाइडलाइंस के हिसाब से प्राइमरी कैटेगरी वो मेजर कैटेगरी है जो आपका बिजनेस रिप्रेजेंट करता है, और एडिशनल कैटेगरीज वो सर्विसेज हैं जिन्हें आपका बिजनेस साथ में प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपकी लिस्टिंग है डेंटल क्लिनिक के लिए, तो आपके पास कुछ ऑप्शन है। आप ब्रॉड कैटेगरी में भी जा सकते हैं कि भाई डेंटल क्लिनिक भी एक टाइप का क्लिनिक होता है, तो मैं डेंटल क्लिनिक की जगह क्लिनिक को यूज कर लेता हूं, ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे। या फिर आपको धोखा हो जाता है कि भाई इस डेंटल क्लिनिक में एक ही डेंटिस्ट बैठता है, वही डेंटिस्ट मुझे पैसे दे रहा है, वही मेरी इनवॉइस पे कर रहा है, तो हम डेंटिस्ट कैटेगरी को रख लेते हैं। दोनों ही आइडियाज गलत हैं। डेंटिस्ट एक पर्सन है और डेंटल क्लिनिक एक प्लेस है। इंसान जगह नहीं हो सकता है और जगह इंसान नहीं हो सकती है। अगर आपकी लिस्टिंग का नाम है बवाल डेंटल क्लिनिक, तो उसमें क्लिनिक लगा हुआ है, तो आपकी प्राइमरी कैटेगरी भी होगी डेंटल क्लिनिक। और अगर आपकी लिस्टिंग का नाम है धांसू डेंटिस्ट, तो लिस्टिंग की प्राइमरी कैटेगरी होगी डेंटिस्ट। जगह और इंसान के बीच का फर्क बना के रखना है। प्राइमरी कैटेगरी को ऐसा रखना है जो बिजनेस लिस्टिंग की मेन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे एक्यूरेटली।
अगर आपकी लिस्टिंग है बैंक्वेट हॉल की तो उसकी प्राइमरी कैटेगरी में वेडिंग वेन्यू नहीं चूज करना है, बिकॉज बैंक्वेट हॉल में शादियां भी होती हैं लेकिन उसे दूसरे कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर आप वेडिंग वेन्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं तो गूगल के हिसाब से आप अपने बिजनेस को, अपनी लिस्टिंग को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड की जा सकती है और फिर ऐसी लिस्टिंग्स को वापस रीइंस्टेट कराना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जब रीइंस्टेटमेंट के लिए आप जाएंगे गूगल आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा और आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे किसके, बैंक्वेट हॉल के, वेडिंग वेन्यू तो है नहीं आपके पास। तो इस तरह से आपको आपकी लिस्टिंग के मेन एक्टिविटी को दिखाने वाली प्राइमरी कैटेगरी ही सेलेक्ट करनी चाहिए। आपकी लिस्टिंग के मेन काम को जो कैटेगरी दिखाए, आपके बिजनेस के जो मेन काम को कैटेगरी दिखा रही है उसे ही यूज करना होता है एज प्राइमरी कैटेगरी। नाउ अब आते हैं एडिशनल कैटेगरीज के ऊपर। एक तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारी 9 की 9 एडिशनल कैटेगरीज को यूज करना ही करना है। 6, 7, 8, 4, 5, 3 जितनी भी आप एडिशनल कैटेगरीज एक्यूरेटली यूज कर सकते हैं चल जाएगा काम। एडिशनल कैटेगरीज में आप उन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे जो सर्विसेज आपका बिजनेस देता है। डेंटिस्ट वाला एग्जांपल यूज कर लेते हैं, आपके बवाल डेंटल क्लिनिक में दांतों को चमकाने की सर्विस जरूर मिलती होगी, तो आप टीथ व्हाइटनिंग सर्विस को भी एडिशनल कैटेगरीज में यूज कर सकते हैं। आपके क्लिनिक पर एक डेंटिस्ट होंगे तो आप डेंटिस्ट को भी एडिशनल कैटेगरीज में यूज कर सकते हैं, और अगर आप रात बिरात पेशेंट को देख लेते हैं तो फिर इमरजेंसी डेंटल सर्विसेज को भी आप एडिशनल कैटेगरीज में यूज कर सकते हैं। हर डेंटल क्लिनिक में, ऑलमोस्ट हर डेंटल क्लिनिक में एक्सरे की फैसिलिटी भी होती है, तो आप डेंटल रेडियोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं एडिशनल कैटेगरीज में। सो मेन काम के अलावा जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज आपका बिजनेस लोकेशन एक कस्टमर को दे सकता है, ऑफर कर सकता है, वो सब एडिशनल कैटेगरीज में यूज कर लेना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर डेंटल क्लिनिक पर एक्सरे मशीन हो ही हो, जरूरी नहीं है कि हर डेंटल क्लिनिक रात के 12 बजे पेशेंट देख पाए। इसलिए गूगल हर बिजनेस को ये ऑप्शन दे रहा है कि वो और एडिशनल कैटेगरीज के जरिए अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गूगल को दे दें, ताकि उस इंफॉर्मेशन को यूज करके गूगल आपको सही लीड्स दे, सही कस्टमर तक आपके बिजनेस को पहुंचाए। कई बार क्लाइंट्स या फिर SEOs भी एक गलती कर जाते हैं कि वो सारी एडिशनल कैटेगरीज को यूज करने के चक्कर में ऐसी एडिशनल कैटेगरीज को भी यूज कर लेते हैं जो उनके बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बवाल डेंटल क्लिनिक की एडिशनल कैटेगरी में डेंटल स्कूल लगा दें तो कैसे चलेगा? स्कूल तो बिल्कुल अलग चीज है, गूगल को कल या परसों पता लग ही जाएगा कि हमारा जो ये शांत सा दिखने वाला बवाल डेंटल क्लिनिक है ये स्कूल नहीं है, और फिर लिस्टिंग की रैंक भी गड़बड़ हो जाएगी और गूगल इस लिस्टिंग के फोन नंबर को हटा सकता है या फिर लिस्टिंग को सस्पेंड भी कर सकता है। इसलिए आज की एक्सरसाइज है कि आप तुरंत अपनी लिस्टिंग को ओपन करें, जैसे मैंने बताया अभी वीडियो की शुरुआत में, और देखिए कि उसकी प्राइमरी कैटेगरी क्या है, क्या वो सही है, एक्यूरेट है, और एडिशनल कैटेगरीज क्या यूज हो रही है, नहीं यूज हो रही है। अगर यूज हो रही है तो कहीं इधर उधर दाएं बाएं गड़बड़ तो नहीं है। सिर्फ वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा, एक्शन भी लेना होगा और तुरंत लेना होगा। नाउ जाने से पहले आज का सवाल जो बहुत ही सिंपल है, किसी बिजनेस लिस्टिंग में गूगल मैक्सिमम कितनी एडिशनल कैटेगरीज को अलाउ करता है? सिर्फ एडिशनल कैटेगरीज का नंबर आपको लिखना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में, 15 सेकेंड के अंदर। आपका टाइम शुरू होता है अब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।